नमस्कार। आलोक संगीत शास्त्र और प्रस्तुति इस मालिका में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न अर्थात पद्मविभूषण डॉक्टर प्रभात रे जी को ऐसा है कि संगीत के मूल तत्वों के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये हमारा सीरीज शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरे लंबी संगीत साधना की जो यात्रा हुई उसमें मुझे बहुत सारे प्रश्न सामने आए और उसका समाधान मुझे ना शास्त्र में मिला ना परंपरा में। मैं विज्ञान और कानून की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए कोई भी बात स्वीकार करने से पहले मैं उसके परखती हूँ, चाहे वो शास्त्र हो परंपरा हो। तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आते रहे और फिर मैं अपनी तरीके से उसका समाधान ढूंढती रही हूँ। आज मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैंने जो चिंतन किया है, विचार किया है, उसके साथ आप सहमत हो, अगर नहीं भी हो तो अच्छी बात है, मैं अपने विचार अधिक स्पष्ट करूंगी और फिर हम आगे जाएंगे। एक तो हम सब समझते हैं कि संगीत हम सुनते हैं। सुनते हैं मतलब क्या है? हम समझ के सुनते हैं क्या? मतलब बहुत सारा संगीत हम आजकल सुनते हैं, लेकिन समझ के सुनना ये बात अलग होती है और उसके लिए भी साधना की आवश्यकता है, ऐसा हमें लगता है क्या? एक कलाकार बनने के लिए बहुत सारी साधना लगती है, उसका सारा जीवन भर वो साधना करते रहता है, लेकिन सुनने के लिए भी साधना की आवश्यकता है ना, ऐसा मुझे लगता है। और उसके लिए जब तक श्रोता कलाकार के स्तर पर नहीं आएगा, तब तक वो संवाद जो हम गाते हैं और आप सुनते हैं उसमें जो एक संवाद होना चाहिए वो होना मुश्किल है। और उसके लिए हमारा ये प्रयास है कि जो सामान्य श्रोता है जिसने संगीत सीखा नहीं है, हमारे जो विद्यार्थी है जो प्राथमिक स्तर पे है, उनको भी जो सिखाया जाता है बस आँख बंद करके सीखते हैं, आपके मन में हमेशा प्रश्न उठना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं। ये करने से हमारा शास्त्र जो है हम अच्छी तरीके से उसको प्योर रख सकते हैं। नहीं तो आजकल क्या हुआ है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उसका समाधान नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि संगीत सुनना मतलब क्या है, जैसे आदिकाल से आप जानते हैं कि संगीत मानवीय जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है और अलग अलग स्तर पे वो काम कर रहा है। जैसे भक्ति के लिए हम संगीत का इस्तेमाल करते हैं, फिर श्रम परिहार के लिए, हमारे श्रम उसको कम करने के लिए हम संगीत का उपयोग करते हैं, सृजन के लिए करते हैं, और फिर मनोरंजन की जो एरिया है, क्षेत्र है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि कोई विशिष्ट संगीत ही हमें अच्छा लगता है, ऐसा क्यों है? हर संगीत अपने कॉन्टेक्स्ट में अच्छा ही रहता है। जैसे चाइनीज संगीत अगर हम सुने हमें एकदम अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके संस्कृति के कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छा संगीत हो सकता है। इसलिए संगीत को उसी कॉन्टेक्स्ट में सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जब मनोरंजन की बात आती है तो जैसे मैंने कहा कि हमें विशिष्ट संगीत ही अच्छा लगता है, उसमें कोई अभ्यास या चिंतन नहीं होता है। हमारी संस्कृति, हमारा शिक्षण, साधना, सोच, हमारी वैयक्तिक आवड़, सहचर्य, अरे सारी अनेक बातें हमारी उसमें जुड़ी हुई रहती है जब हम बोलते हैं हमें ये संगीत अच्छा लगता है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है ना, कोई अच्छा संगीत भी हो और हमें अच्छा ना लगे, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो संगीत अच्छा नहीं है। तो जब हम कहेंगे ये संगीत अच्छा है या नहीं है, उसके पहले अभ्यास करना है और फिर कहना है कि ये संगीत अच्छा है या नहीं है।
संगीत के बारे में ऐसा होता है कि एक अमूर्त कला है. आप जानते हैं कि नाटक है, नृत्य है, आपके सामने कुछ दृश्य है, आप मूवमेंट्स देखते हैं, भाषा आप जानते हैं, वो इतना कठिन नहीं होता है समझने में. लेकिन संगीत के लिए, संगीत की जो भाषा है, स्वर लय की भाषा, वो हम नहीं जानते हैं. उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है. उसका अपना ही विश्व है, विश्व के किसी भी चीज़ के साथ उसका साम्य नहीं है. मैं आँख हूँ, उसका मतलब क्या है? उसका केवल सांगीतिक अर्थ है, और किसी के साथ उसका संबंध हम नहीं जुड़ा सकते हैं. तो इसलिए अगर हम जानकारी से समझ के अगर हमको संगीत सीखना है या सुनना है, तो हमें संगीत का थोड़ा अभ्यास करना आवश्यक है. जी, इस बारे में एक सवाल मन में आता है कि कई कबार ये वाक्य सुनाई देता है कि संगीत ये वैश्विक भाषा है, इसे यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे कि आपने कहा कि हर एक संगीत प्रकार को एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, और उसमें ही हम उसको समझ सकते हैं या अप्रिशिएट कर सकते हैं, फिर ये सेंटेंस इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता क्या? कॉन्ट्रडिक्ट इसलिए नहीं करता है कि वहाँ आप भावना के थ्रू संगीत को समझते हैं. जो भाव आपके मन में उत्पन्न होता है, उससे आप वो संगीत को समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन जिसको समझना है, सांगीतिक आशय को समझना है, उसके लिए संगीत का अभ्यास करना आवश्यक ही है. अब आप जानते हैं कि भारतीय संगीत की दो संकल्पनाएं, आधारभूत संकल्पनाएं हैं, जैसे राग और ताल. विश्व में कहीं भी ये संकल्पनाएं आपको सुनाई नहीं देंगी. और ये हमारा बहुत वैशिष्ट है कि राग और ताल के जरिए हम अपना संगीत प्रस्तुत करते हैं, निर्मिति करते हैं. विश्व में स्वर और लय, ये दो घटक हर संगीत में रहते हैं. कहीं भी जाइए आप, ये दो घटक ज़रूर आपको मिलेंगे. लेकिन इसके ऊपर जो संस्कार होते हैं, उसके बाद जो मटेरियल हमारे हाथ में आता है, वो अलग अलग आता है. हर एक संस्कृति का अपना एक संगीत है, और वो अलग है एक दूसरे से. हमारा भारतीय संगीत, जैसे मैंने कहा, राग और ताल पे निर्भर करता है. ये शास्त्रीय संगीत की बात कर रही हूँ मैं. फोक म्यूज़िक और लाइट म्यूज़िक वो अलग बात है. तो राग की व्याख्या मैं ढूंढ रही थी, पढ़ रही थी, मुझे कहीं भी अच्छी व्याख्या नहीं मिली. क्योंकि राग संकल्पना भी एक अमूर्त संकल्पना है. आपको कहीं मिली है क्या? फिर क्योंकि राग के लक्षण मिलते हैं, लेकिन राग की व्याख्या, डेफिनेशन अच्छी नहीं मिलती है. मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, मुझे पढ़ना पड़ने वाला है. मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी कोशिश मैंने की है. राग एक ऐसी संकल्पना है जिसमें सप्तक के 12 स्वरों में से कम ऐसे 5 स्वर चुने जाते हैं जिनसे एक विस्तारक्षम धुन तैयार होती है. इन 5 स्वरों में पहला स्वर सा और चौथा स्वर म या पांचवा प होना जरूरी होता है. आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? शायद मेरे विचार से राग की जो प्राचीन व्याख्या है, इसमें ये सभी बातें आती हैं, लेकिन वो ग्रांथिक व्याख्याएं सूत्रबद्ध होती हैं, तो इतने विस्तार से वो बताए नहीं जाते. लेकिन राग रचना के जो नियम बाद में बताए गए हैं, इनमें ये बातें आती जैसे हैं. जैसे बना लक्षण तो है, लक्षण तो है, लक्षणों में ये सारी बातें आती है. लेकिन हम पहले ऐसा करेंगे कि हमारे भारतीय संगीत में
शुद्ध स्वर है वो सात सुर है। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि प्राथमिक लेवल के जो श्रोता है उनको भी ये मालूम हो कि हमारे सात शुद्ध स्वर कौन से है। सारे गा ये सात सुर हुए। और फिर आठवां स्वर जब आता है वो सा के मतलब जो पहला स्वर है उसका वो दुगनी ऊंचाई पर होता है। सा सा फिर से सारगम पदनी सा बोलो। सारे ग ये हमारा सप्तक हुआ और उसके अंदर सात शुद्ध स्वर है। अब ये रेग ध्वनि जो है चार सुर उनके उतरे हुए एक और वैरायटी मिलती है वो है कोमल सुर। रेग ध्वनि कोमल सुर बोलो। सारे ये शुद्ध है। सारे ये कोमल सा ग सा ग सा ध सा ध सा नी सा नी। अब जो एक म बाकी रहा है बीच में उसका ऊंचाई पर मतलब उसका जो वेरिएशन है उससे ऊंचा है वो तीव्र म है। सा म ये शुद्ध म है। म ये तीव्र म है। मतलब हमारे सप्तक में हमें सात शुद्ध स्वर चार कोमल एक तीव्र म मतलब कुल 12 स्वर मिलते हैं। वो 12 स्वर अभी गाओ। सारे रे ग ग म म प ध ध नी नी। ये जो चढ़ती सीढ़ी है उसको हम आरोह कहते हैं। अब जब नीचे उतरेंगे उसको अवरोह बोलेंगे। आपने देखा कि रे ग म ध्वनि इनके दो रूप है लेकिन सा और प इनका एक ही रूप है और वो अचल है। सा और प उनका एक ही रूप होता है। जब तक हम सा निश्चित नहीं करते हैं उसकी ऊंचाई निश्चित नहीं करते तब तक सप्तक तैयार नहीं होता। जब हम सा को निश्चित करेंगे तब हम कह सकते हैं कि म कहा है प कहा है नी कहा है। मतलब ये सुर एक दूसरे से विशिष्ट अंतर से स्थित है। अभी ये जो है ये मध्य सप्तक है। कोई भी कलाकार का जो आसानी से गा सकता है वो मध्य सप्तक होता है। अब जब उसको नीचे जाना है सा से नीचे जाना है वो है मंद्र सप्तक। मैं खाली प तक जाने के लिए बोलूँगी मंद्र में। पहले मध्य सप्तक सा रे ग म प ध नी सा नी ध प
जैसी ये रेंज आपकी अच्छी होगी तो यहाँ नीचे सात तक जा सकते हैं। अभी ऊपर का जो सा है, आठवां मैंने स्वर बोला सा है, फिर उससे ऊपर अगर जाएंगे तो वो है तार सप्तक। अगर रेंज हो तो सात तक आप पहुँच सकते हैं। मतलब गायक कलाकार ज़्यादातर दो सप्तक का मतलब मंद्र प से मध्य प तक और मध्य प से तार सप्तक प तक जाता है। आजकल बहुत सारे कलाकार हैं तीनों सप्तक में गाते हैं, कोई चार सप्तक में भी गाते हैं। और वाद्य का जो है उनकी क्षमता अनुसार दो सप्तक, तीन सप्तक, चार सप्तक उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमारे सप्तक, हमारे स्वर। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि षड्ज और पंचम का अचलत्व होना और सप्तक के इन स्वरों की जो मान्यता है, ये हमारे भारतीय संगीत का अगर हम इतिहास देखते हैं तो तुलना में आधुनिक बात है। लगभग 200 या 300 वर्षों के पहले ये सप्तक प्रमाणित नहीं हुआ था, उसके पहले अलग अलग सप्तक, मूलभूत सप्तक माने जाते थे। वैदिक काल से अगर हम देखें तो अलग अलग सप्तक की धारणाएं हम देखते हैं ग्रंथों में, लेकिन आज जो मूलभूत सप्तक मानते हैं वो ये है। वेस्टर्न म्यूजिक में भी इसको मानते हैं, मतलब टेम्पर स्केल है सप्तक के, जो 12 सुर हैं उनके अंतर समान अंतर में उनको रखा गया है। लेकिन हमारा सप्तक तो टेम्पर्ड नहीं है। नहीं, तो टेम्पर्ड नहीं है, लेकिन वो जो हमारी श्रुतियाँ हैं उनके साथ गाना बहुत मुश्किल है, और पूरे कार्यक्रम में आइटम में उसी स्थान पर वो स्वर लगना बहुत मुश्किल है कान को, क्योंकि वो स्वर हलता है रेगा से जाने से, निरेगा से जाने से रे हिलता है, तो वो उनका स्थान जब तक वो स्थित नहीं होता है, ठहरता नहीं है, तब तक वो हिलता है और वो श्रुति वहाँ लगती ही है। अभी हमने राग को देखा था, तो जो लक्षण है राग के उसके मुताबिक हम अभी आगे चलेंगे। अभी राग के जो लक्षण है उसको हम जाएंगे। आरोह अवरोह में कम से कम पांच स्वर होना आवश्यक ही है। जैसे अभी राग भूप में हम देखते हैं सा रे ग प ध सा, पांच स्वर हो गए सा ध प ग रे सा। अब आरोह अवरोह में पांच पांच ही स्वर है, अब गुजरी तोड़ी में छह स्वर है। सा रे ग म ध नि सा, सा नि ध म ग रे सा। अब भैरवी में सात स्वर है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अभी जो राग हमने देखे उसमें आरोह अवरोह स्वरों की संख्या एक ही थी। अब ऐसे भी राग है कि आरोह पांच स्वरों का है और अवरोह में सात स्वर है। राग भीम पलस सा ग म प नी सा नी द प म ग रे सा। हमारे यहाँ हर एक कोई नियम होता है, उसका अपवाद भी होता है। तो राग हिंडोल में जैसे चार सुरों का, कभी कभी इन्हीं का भी
इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो चार सागम अध सा है। सागम अध सा द म ग सा। दूसरा जो नियम है स्वर सीढ़ी चुनने के लिए, उसमें यह है कि चतुर्थ स्वर म अथवा पांचवा स्व, वो दोनों में से एक होना ही चाहिए और सा तो होना ही है। राग मालकोंस देखिए, उसमें म है। सा ग म ध नी सा सा नी ध म ग सा। राग शिवरंजनी में सा तो होना ही है और पांचवा स्वर प है। सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा। राग भैरवी में सा तो है ही और म और प भी है। सा रे ग म प द नी सा सा नी ध प म ग रे सा। ये राग के लिए स्वर सीढ़ी चुनते हुए उसमें ऐसा होता है कि एक स्वर के दो रूप नहीं आने चाहिए, लेकिन इसके लिए भी अपवाद है और वो है राग ललत। नी रे ग म म राग के लिए स्वर स्थिति स्वर सीढ़ी जो हम चुनते हैं, स्वर जो चुनते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें वो सीढ़ी रंजकतापूर्ण होनी चाहिए, सौंदर्यपूर्ण होनी चाहिए। अगर आप ऐसे स्वर चुनेंगे जिसमें रंजकता है नहीं, सौंदर्य है नहीं, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए राग की संख्या सीमित होती है, नहीं तो गणित पद्धति से बहुत सारे राग हम तैयार कर सकते हैं। प्रभा जी, एक मैं थोड़ी एडिशन करना चाहता हूँ। हाँ। जैसे कि आपने बताया षड्ज का होना तो ज़रूरी है, मध्यम और पंचम में से एक स्वर होना ज़रूरी है, वैसे ही नियम बताया जाता है कि राग में कोई भी लगातार आने वाले दो स्वर वर्जित नहीं होने चाहिए। जैसे रेगा या धनी, ये दोनों ही अगर वर्जित हो जाते हैं तो राग नहीं बनता। लेकिन हमारे परंपरा में इसको भी अपवाद कुछ बताए जाते हैं, जैसे कि देवरंजनी राग है जिसमें रे और ग दोनों भी वर्जित हैं, लेकिन अदरवाइज अपवाद है। हाँ। मतलब अब ऐसे भी राग है कि जिनकी स्वर सीढ़ियाँ एक है, मतलब स्वर एक ही है लेकिन उनके रूप अलग अलग बनते हैं, जैसे राग तोड़ी और मुल्तानी, उनमें जो स्वर है वो अभी गाएंगे। सारेगमा पधनी सा जो रग है सारे ग म प ध नी सा। ये सारे स्वर दोनों राग में हैं, लेकिन तोड़ी में आरोह में पंचम स्वर नहीं है। सा रे ग म ध नी सा। और राग मुल्तानी के आरोह में
रेध स्वर नहीं है। सा ग म प नी सा, इनका अवरोह एक जैसा ही, दोनों रंगों का अवरोह एक जैसा ही है। सा नी ध प म ग रे सा। अभी एक बात मुझे याद आ गई है कि आरोह में चाहे कम स्वर हो अवरोह संपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि आरोह संपूर्ण है और अवरोह में कम स्वर है। ऐसा कोई राग है? जैसे कि आरोह संपूर्ण है, आरोह में दरबारी कन्नड़ में आरोह में सारे सारे गमा पद निसा जाता है और अवरोह में सा धनी प ग म रेसा, तो सा नी प म रेसा, ये इन वे अपवादात्मक रूप से हमें अवरोह में कम स्वर है ऐसा नहीं, मतलब लगता तो है वो स्वर। अच्छा, बहुत कम है ऐसा। लेकिन कर्नाटक संगीत में ऐसे राग हैं, हमारे हिंदुस्तानी पद्धति में ऐसे राग नहीं है जिनमें अवरोह में कम स्वर हो, लेकिन कर्नाटक पद्धति में ऐसे राग हैं। राग एक ऐसी धुन है, विस्तार क्षम धुन है। ये विस्तार क्षम कहीं शब्द नहीं आता है, जो लक्षण है उसमें, जो धुन विस्तारित होती ही रहती है, मतलब मेरी बुद्धि जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ वो विस्तार ख़त्म होता है, तो विस्तार क्षम धुन ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो लक्षण में कहीं नहीं आया है। ये सारा प्राथमिक स्वरूप का विवेचन है, मुझे मालूम है यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने ये सीखा है, जो रसिक है उनको भी शायद मालूम है, लेकिन हम यहाँ से शुरू करें तो आगे अच्छे से बात कर सकते हैं। अभी राग के बारे में हमने कहा कि राग संकल्पना स्वरों से जुड़ी होती है और ताल संकल्पना सांगीतिक काल से जुड़ी है। अभी समान अंतराल के आघात से लय उत्पन्न होती आपको मालूम है, और इस आघातों को मात्रा कहते हैं। सांगीतिक काल को मापने के लिए ये मात्रा होती है। ताल की भी व्याख्या जैसे मुझे नहीं मिली, लक्षण तो मिले हैं लेकिन व्याख्या मुश्किल से मैंने कुछ कोशिश की है। ताल एक ऐसी संकल्पना है जिसमें सांगीतिक काल का विशिष्ट संख्या की मात्राओं को समान अंतराल में वर्तुलाकार विभाजन किया जाता है। इन मात्राओं को फिर से अलग अलग संख्या में बांटा जाता है जिनको खंड कहते हैं। खंड की पहली मात्रा विशेष होती है, वो है सम, और खंड की पहली मात्रा या तो खाली होती या ताली होती है। मतलब पहली मात्रा सम, फिर और जो खंड होते हैं उनकी पहली मात्रा या तो खाली होती या तो ताली होती है। लेकिन ताल के अभी अवयव हम देखेंगे, जैसे लक्षण जैसे मैंने कहा राग के वो देखेंगे, आपको दिखाना है। ताल तीन ताल लेंगे हम, इसकी मात्राएं हैं 16। हाँ, आप एक दो तीन चार बोलिए। चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक। अभी इस ताल में कुल मात्रा 16 है, इनके चार खंड है, चार चार मात्रा एक खंड में है, और जो पहली मात्रा है वो सम है। कलाकार विस्तार करके इम्प्रोवाइजेशन करके सम पे आता है, वो हम बाद में देखेंगे। सम के पश्चात जो महत्वपूर्ण मात्रा होती वो है खाली। अभी इसमें पहली मात्रा तो सम है, खाली कहाँ आती है, कौन से नौ? हाँ, आप बोलिए। एक दो तीन चार
पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। हर मात्रा को एक बोल दिया जाता है जिससे वो ताल का ठेका बनता है। अभी सोलह मात्रा थी तो आप देखिए अभी उसका ठेका देखिए। हर मात्रा को एक बोल दिया गया है। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। जब हम गाना प्रस्तुत करते हैं और ताल बजते रहता है तो ये ठेके की तरफ हमारा ध्यान रहता है कि कौन सी मात्रा बज रही है, वो देख के फिर हम सम पे आने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे भी ताल है जिनकी मात्राएं समान है, जैसे एक ताल और चौताल, तो 12 मात्राएं हैं इसमें और खंड भी समान है लेकिन उनका ठेका अलग है इसलिए वो अलग हो जाते हैं। एक ताल पहले धिन धिन धागे तेरा केट तू ना कत ता धागे तेरा केट धे ना। चौताल चौताल धा धा दिन ता केट धा दिन ता ती ट क त ग दी ग न धा। जैसे मैंने कहा कि ताल की मात्राएं समान है, खंड भी एक है लेकिन उनका ठेका अलग है, वो ठेके से वो अलग हो जाते हैं। अब हम जाते हैं संगीत निर्मिति में स्वर वाक्य कैसे तैयार करें, मैं स्वरों को कैसे जोड़े, मैं स्वर वाक्य तैयार करने के लिए स्वरों को जोड़ना पड़ता है वो हम कैसे जोड़े। तो एक तो होता है एक स्वर का भी स्वर वाक्य हो सकता है, जैसे सा को पकड़ के रहे प को पकड़ के रहे और वो एक सांस में अच्छे तरह से पकड़ के रहना वही स्थान पर वो सा या प। हमारे भारतीय संगीत में ऊपर का तार चर्ज जब लगाते हैं और लंबी तरह से उसको पकड़ते हैं तो तालियां बजाते हैं आप लोग, मतलब वो एक आनंददायक होता है सा पकड़ना बहुत लंबी तरीके से। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा एक ये मन में प्रश्न होता है कि तार चर्ज का ये महत्व क्यों है, लोग ताली क्यों बजाते हैं, अन्य स्वर को क्यों नहीं बजाते, तो ये आनंद की अनुभूति अन्य स्वरों में क्यों नहीं होती, तार षड्ज का ये क्या महत्व है। हालांकि मुझे लगता है कि हर सुर अगर लंबा अगर हम पकड़े तो वही अनुभूति होनी चाहिए, हम पकड़ते नहीं हैं एक तो बात ये है और दूसरी बात इतना ऊपर जाके उसको पकड़ के रहना ये भी एक मुश्किल बात है, साधना की बात है और जितना आप ऊँचा जाए उतना अच्छा तालियाँ बजती रहती है आप देखते हैं। मेरे मन में एक भी बात है, जैसे कि आपने बताया कि पूरा सप्तक हम गुजरते हैं और फिर से वही बिंदु पर आते हैं जो कि दुगनी ऊंचाई का है, तो इन अ वे इट कम्प्लीट्स द सर्कल और इसलिए वो आनंद की अनुभूति वहीं तार षड्ज पे मध्य सप्तक के षड्ज की जो आनंदानुभूति है वो उसकी पुनरावृत्ति होती है, इसलिए शायद उसका आनंद कुछ अलग है अन्य स्वरों के आनंद से। लेकिन ऐसा अगर देखा जाए सा भी अगर मध्य सप्तक अगर हम पकड़े इतना लंबाई तो शायद हमको अनुभूति नहीं मिलने वाली या प या म ऐसा भी हो सकता है। मेरे मन में ऐसा है कि जैसे कि हम पहले षड्ज की स्थापना करते हैं अच्छी तरह से जिसको षड्ज भरना कहते हैं, तो हर एक कलाकार राग की प्रस्तुति में पहले वही करता है कि लेकिन लंबा पकड़ना उसको वो नहीं होता है,
सर्जों को भरते हैं हम अच्छी तरह से, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठते जैसे ऊपर के। हाँ, ये फर्क होता है उसमें। अब दो या दो से अधिक स्वर जब हम जोड़ने जाते हैं तो हम मींड से जुड़ते हैं। मींड यानी एक सरल रेखा है, एक स्वर से दूसरे स्वर तक सरल कलात्मक रूप से पहुंचना है, वो मींड है। प्रभा जी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि राग के बारे में नियम है कि एक ही स्वर के दो रूप लगातार नहीं ले सकते, तो यह नियम क्यों बना होगा? जैसे कि हम अपवाद तो देखते हैं, ललित है, मियां मल्हार में भी कुछ तरीके से हम करते हैं, या शुद्ध सारंग में भी करते हैं, लेकिन मूलतः ये नियम क्यों बना होगा? इसमें क्या आपकी राय है कि इसका कारण क्या हो सकता है? रंजकता होगा। नहीं तो ललित या शुद्ध सारंग या इसमें हम सुरों का एका सुर करने से लगे, हम चाचा सुर अगर लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगने वाला। हाँ, तो मीण का हम उदाहरण देखते हैं। पहले अलग अलग सुर जो जोड़ने जाएंगे आप उसको बोलेंगे। नी पा रे ग नी पा रे ग गाते वक्त म प अंतर छोड़ते नहीं, मतलब उसको एक साथ बोलते हैं, वो मीन के जरिए बोलते हैं। ये हमारी भारतीय संगीत की विशेषता है। हाँ। शुरू में अलग अलग हम स्वर बोले थे, बाद में उनको जोड़ दिया मेन से। अब दूसरी तरीके से जोड़ते हैं कर्ण स्वर। एक मुख्य स्वर होता है, वो स्पर्श करके आता है दूसरे स्वर को। जैसे अभी ये शायद ग मुख्य स्वर है, रे का कर्ण हमने लिया उसको। ग रे ग रे ग आ, आ, प खड़ा स्वर और म कण की तरह स्पर्श। प म ब म ब आ, आ। नी खड़ा स्वर, उसको ध का स्पर्श। नी धनी धनी। सा खड़ा स्वर, उसको नी का स्पर्श। सा नि सा आ आ आ आ। अब आता है खटका। एक ही स्वर को दूसरी बार आघात से आघात करते हुए उसके ऊपर ठहरना। अभी गग या ममा एक वाक्य है, निरे गगस। निरे गग गग हाँ।
ये कर्ण स्वर और खटका में बहुत बारीक डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ भी ग ग दूसरा जो आता है ग, वो कर्ण स्वर के रूप में आता है, लेकिन उसका जोर है उसके साथ थोड़ा आघात है। अलग अलग परंपराओं में इन संज्ञाओं का मतलब थोड़ा अलग होता है। जैसे कि तंत्रकारों की परिभाषा में कर्ण स्वर जो है, जो आपने लगाया वो सही है उनके बारे में, लेकिन खटका उनके यहाँ तंत्रकारों में खास करके माना जाता है कि आगे और नीचे के स्वर का रूप अगर मुख्य स्वर को लगाया जाए, जैसे कि अगर सा है तो रेसा निसा, सा सा, तो इसको वो खटका बोलते हैं। सिर्फ सा दोहराने को वो खटका नहीं कहते हैं। तो अलग अलग परंपराओं में परिभाषा अलग होती है, क्रियाएं तो वही होती है। इसलिए तो शास्त्रों को हमको स्टैंडर्डाइज करना है, इसलिए तो हम बैठे आज। फिर गमक है, तो दो स्वरों के बीच में गंभीर ऐसे झूला होता है, जैसे गम गम गम, अगर आप गमक में आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो म प म प म प आ सा नी सा नी आ आ। अब आंदोलन में क्या होता है, किसी स्वर को नीचे वाले या ऊपर वाले स्वर का लगातार स्पर्श होते रहता है। जैसे यहाँ भैरव में ध स्वर है, बोलो धैवत कोमल पर निषाद का स्पर्श, और स्लो मोमेंट की तरह उस पर धैवत पर निषाद का एक स्वरों को स्पर्श है। ग म रे पर यहाँ गंधार का स्पर्श था। आ कोमल निषाद पर धैवत का स्पर्श, म प नी धनी धनी म प आ गंधार पर मध्यम का स्पर्श, ग म ग म ग म आ। अभी मुर्की या हरकत जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो स्वर होते हैं वो लहराते उछलते कूद के टेढ़ी मेढ़ी चाल करके और आखिरी में एक स्वर पे रुकते हैं। मुर्गी का प्रयोग मुख्यतः उपशास्त्रीय संगीत में होता है, शास्त्रीय संगीत में नहीं होता है। और अगर इसके स्वर स्वर नाम अगर हम बोलने जाए तो अच्छा नहीं लगता है, मुश्किल भी होता है मुर्गी में। जैसे बोलो सा रे ग प म ग रे प म ग रे ग म ग रे ग म ग रे सा ग म ब ध नि ध सा नि सा नि द प द प म ग म ग ग रे ग म ग रे ग म ग रे ग म ग रे सा आ
ये मध्यम को षड्ज मानकर है। स म आ ग म ग रे ग म ग म ग रे ग म ग रे स प द स रे ग ब म ग म ग रे ग म ग म ग रे ग म ग रे द आ मतलब स्वर किस तरह से जोड़े जाते हैं और हर प्रकार में आपको और वेरिएशंस मिलेंगे, मतलब इसी तरह से खटका होगा, इसी तरह से मींड होगी, ऐसा नहीं है। हर कैटेगरी में अलग अलग एक्सप्रेशंस होंगे। प्रभा जी, इस बारे में एक सवाल मेरे मन में आता है। हाँ। कि आपने जैसे कहा कि मुरकी का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में नहीं होता, माने कौन से राग, संगीत में? राग, राग संगीत में, आई मीन राग संगीत में, माने ध्रुपद या ख्याल में नहीं होता। हाँ। लेकिन ठुमरी भी राग संगीत। हाँ। ही हम मानते हैं राग संगीत, प्योर राग संगीत कहाँ है, है ना, क्यों नहीं है? आप अगर गाए तो राग शुद्ध रखने हैं। हाँ। रखना है तभी आप करेंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर हम शुद्ध भी नहीं रखते राग, मिश्र करते हैं, लेकिन राग तत्व तो है इसमें। नहीं, राग तत्व है लेकिन वो शुद्ध राग नहीं है ना। तो और राग का जो पेशकार है वो भी वैसी नहीं है, नहीं जो है। शास्त्रीय मतलब ख्याल में है, ध्रुपद में है, वैसी पेशकारी वहाँ राग की नहीं है। नहीं है, ठीक बात है। तो मुरकी ठुमरी में टप्पे में चलेगी लेकिन ध्रुपद या ख्याल में नहीं चलेगी, ऐसे आपने बताया। तो व्यवहार में भी ये बात हम देखते हैं कि नहीं होती मुरकी, नहीं आजकल ख्याल में भी होता है, ये सब ओवरलैपिंग बहुत हो रहा है, हो रहा है। लेकिन अगर नहीं करो तो अच्छा है, मतलब जरूरी नहीं है। हाँ, वही मैं कहना चाहता था कि करें तो भी कुछ गलत बात नहीं है, माने सूली पर नहीं चढ़ाएंगे लेकिन उसका प्रमाण कुछ होना चाहिए। इसके बारे में कुछ संकेत होते हैं जो सौंदर्य शास्त्रीय संकेत है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन वो संकेत भी अभी चेंज हो रहे हैं जी। हाँ, तो कहाँ हम उसको क्या, बहुत सारे कलाकार खास करके पिछले 40-50 सालों में हम सुनते हैं कि जो मुरकी का प्रयोग बहुत ज़्यादा प्रमाण में करते हैं, पहले जमाने में का गाना बजाना अगर देखें तो माने मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रमाण तो बदलेंगे लेकिन ये निषिद्ध है ऐसे नहीं कह सकते हम, इसलिए तो आपने मुरकी का विषय इसमें लिया। मैंने ये भी बात कही इसी वक्त के उपशास्त्रीय संगीत में उसका उपयोग होता है। अभी हम संगीत सामग्री के बारे में बात करेंगे। संगीत निर्मिति के लिए हमें संगीत सामग्री चाहिए होती है, तो संगीत सामग्री कौन सी होती है आप मुझे बोलेंगे, कौन सी संगीत सामग्री हम उपयोग में लाते हैं निर्मिति के लिए? मैंने प्रभा जी का कहना ऐसा है कि राग संगीत के बारे में किन सामग्रियों का इस्तेमाल करके हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो वो सामग्रियाँ क्या क्या हैं, म्यूजिक मेकिंग डिवाइसेस क्या हैं? ये सामग्री कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो सामग्री उपलब्ध होगी। शास्त्रीय संगीत ऐसा नहीं कहीं भी उपयोग। हाँ, आप कुछ बोलेंगे कोई? सुर, लय, ताल और शब्द ये घटक हो गए संगीत के, मूल घटक है, मतलब सुर और लय, ये सामग्री नहीं हो सकती। हाँ, तो जब सुर और लय हम साथ में लाते हैं तो हमें संगीत सामग्री मिलती है। जैसे आलाप है तो छोटे छोटे स्वर वाक्य धीमी गति में चलने वाले भाषिक आ ए में हम उच्चारण करते हैं, वो है आलाप। उसके लिए आपको कोई भी बोल सकता है, मतलब नया भी विद्यार्थी हो तो आलाप बोल सकता है ज़रूर। हाँ,
आपने देखा छोटे छोटे स्वर वाक्य थे, धीमी गति में चलने वाले थे और आकार में भाषिक आ स्वर उन्होंने यूज किया था। देखा कि इसमें ये लय से ज़्यादातर मुक्त रहते हैं, इसके कारण वो राग की जो बारीकियाँ हैं या जो संगीत प्रकार या ख्याल हो ध्रुपद क्या है उसकी जो कैरेक्टर है वो स्ट्रक्चर की जो बारीकियाँ हैं वहाँ तक आलाप पहुँच सकता है धीमी गति होने से, और स्वर वाक्य छोटे कारण होने से वो जो बारीकियाँ हैं स्ट्रक्चर की ख्याल की ध्रुपद धमार की क्या जो आप घाट लेंगे संगीत प्रकार लेंगे वहाँ जो बारीकियाँ होती है वहाँ ये जा सकते हैं। अब दूसरा है तान, ये जलद गति से स्वर आते हैं माला के रूप में। अगर इसको शुरू से हम अगर गाए राग संगीत में तो जो बारीकियाँ हैं वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए आलाप का प्रमाण राग संगीत में ज़्यादा होता है और ये ज़्यादातर लय के साथ जाती हैं ताने, आलाप लय के साथ कम जाती है, जैसे सम के पास जाने लगे तो फिर आपका आलाप उसी तरह हो सकता है लेकिन बीच में वो लय मुक्त होते हैं। अब कंठ संगीत में और एक घटक आता है शब्द, और उसको आप टाल नहीं सकते तो फिर आपको लेना ही है, तो स्वर लय और शब्द ये साथ होने से और एक सामग्री बनती है बोल। बोल मतलब स्वर वाक्यों में शब्दों पिरोए होते हैं, शब्दों के साथ स्वर वाक्य होता है, बोल आलाप होता है। जैसे आलाप में शब्द अगर गए तो बोल आलाप हुआ, बोलतान में अगर शब्द गए तो बोलतान हुई, बोल आलाप पहले ला विशेषता ये है कि नादाकृति में विविधता ला सकते हैं, शब्द होने के कारण शब्दों की अपनी एक नादाकृति होती है, तो स्वर वाक्य में जब शब्द आते हैं तो
विविधता लाते हैं, खाली आ करने से ह री एक विविधता लाई जाती है। और फिर जब आपको कुछ लयाकृति करनी होती है, आ आ आ से करना मुश्किल होता है, तो शब्दों के साथ लयाकृति वो भी होती है और एक भावनिक रंग भी ला सकते आप, लागी चरण या प्रीत लगी, कुछ भी आप शब्द अगर यूज़ करेंगे स्वर वाक्य के साथ तो वो भावना उसके ऊपर चढ़ जाती है, भाव चढ़ जाता है। तो ये जो बोल है उसमें उच्चारण में विविधता ला सकते हैं, लयाकृति बना सकते हैं और भावनिक रंग भी दे सकते हैं स्वर वाक्यों। अब बोल तान करेंगे। हाँ, इसमें तान में शब्द प्रवेश करते हैं तो बोल तान हो जाती है। पहले आकार में लागी रे हरे सांग गगरे सा नि धप गगरे सा नि धप मगरे सा लागी रे हरे संग लागी रे हरे संग लागी। तो अब हम बोल उपज की तरफ जाते हैं। इसमें शब्दों की मदद लेके लय लाने की कोशिश करते हैं बोल उपज में। ये ज़्यादातर मध्य लय लयाकृति होती है। जैसे शुरू में एक लाइन बोलो जो लागी लागी रे हरे संग लागी लागी रे हरे संग लागी लागी रे लागी रे हरे संग लागी लागी रे लागे रे हरे संग संग लागे लागे रे हरे संग लागे लागे रे हे हरे संग लागे लागे रे लागे रे हरे संग लागे लागे रे हे हरे संग लागे लागे रे लागे रे हरे संग लागे लागे रे हरे संग। बोल बनाव और बोल बाँट भी इसमें आते हैं, वो हम उपशास्त्रीय संगीत की तरफ जाएंगे तब उसका विचार करेंगे। अब चौथी सामग्री है सरगम। ये संक्षिप्त स्वर नाम का वाक्य जब बनता है तब सरगम बनती है। ये वाक्य विविध गतियों में भी चल सकता है। आलाप में वो आलाप का रूप धारण करता है, तान का रूप धारण करता है, बोल उपज का भी रूप धारण करता है ये वाक्य। और ये एकाक्षर होने से सरगम एकाक्षर होने से तिरी सप्तक के स्वर एक स्वर वाक्य में आप आसानी से ला सकते हैं, जो आलाप में नहीं हो सकता है, तान में मुश्किल लगता है। नी रे ग प रे ग म रे ग नि रे ग सा म ध नि प ग म ध नि म रे ग रे ग म ध नि म रे ग प रे नि गमदनी प रे ग ग ग ग म म म रे ग रे म ग म रे ग म द ग प गमदनी ध ग म प रे ग म म ग ग रे रे सा। मैंने कहा विविध गतियों में ये स्वर वाक्य जा सकता है। यह आलाप की तरह था, जरा अभी तान की तरफ बोलेंगे।
घर नी ये समर का एक और विशेष ये है कि ये शुद्ध सांगीतिक सामग्री है, इससे केवल सांगीतिक अर्थ का ही निवेदन होता है। जब सारे गमा आप बोलेंगे वो खाली सांगीतिक अर्थ ही आपको दे सकता है। जैसे बोलों के साथ जब आप स्वर वाक्य करते हैं तो उसका भाव उसके ऊपर चढ़ता है, लेकिन सरगम में एक तो आप जो आकृतियाँ आलाप में तान में नहीं कर सकते वो यहाँ आप आसानी से कर सकते हैं, फिर उसके साथ लय कार्य भी कर सकते एकाक्षर होने से, और सांगीतिक अर्थ भी उससे निवेदन होता है। अब तक जो हमने मूल तत्व देखे और संगीत सामग्री देखी, माने स्वर लय और उससे आगे जाके राग ताल, ये मूल तत्व हमने देखे, और संगीत सामग्री देखी आलाप तान बोलतान इत्यादि सरगम तक हमने देखा। तो इस विषय में अगर किसी के मन में कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। प्रभात जी, आपने शुरुआत की कि राग एक अमूर्त संकल्पना है और आप राग को डिफाइन करने चली हैं, तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि जो अमूर्त है वो डिफाइन क्यों करें, पहली बात। और दूसरी बात, अमूर्त अगर कोई एंटिटी है तो उसका लक्षण ही मिलेंगे, उसका डेफिनेशन नहीं मिल सकती, ये एक वास्तविकता हमें स्वीकार क्यों नहीं करनी चाहिए? लक्षण तो है ही, मैंने कहा हम प्रयत्न क्यों ना करें, प्रयत्न करने में क्या हर्ज है व्याख्या करने के लिए, कि जब तक लक्षण नहीं बोलेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, वो एक एडिशनल सपोर्ट है मैं मानती हूँ। लेकिन जो मैंने कहा है उससे कुछ बोध नहीं होता है क्या आपको? मैंने जो कोशिश की है राग की व्याख्या की उससे आपको कुछ बोध नहीं हुआ? नहीं, वो तो लक्षण ही बताए आपने, एक जो लक्षण करके बताए जाते हैं उसी का एक वाक्य बना है, तो वैसे भी फिर भी हम डेफिनेशन में वो भी आएगा ना, लक्षण भी आएंगे ना, चार लक्षण अलग अलग करने से ये भी कर सकते हैं, नहीं भी करिए राग की व्याख्या करना जरूरी नहीं, मुझे लगा कि करे तो अच्छा है, मैंने कोशिश की। यहाँ थोड़ा मुझे कंफ्यूजन मिल रहा है कि व्याख्या और लक्षण क्या है, व्याख्या इस शब्द का मतलब क्या है, ये इसकी समझ में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन नजर आ रहा है। व्याख्या होती है जिसमें उस विषय का सूत्रबद्ध और सारबद्ध रूप होता है, उसमें उसका विवरण नहीं होता, और यहाँ प्रभा जी ने जो बनाया वो व्याख्या नहीं है, वो विवरण ही है। हाँ, और विवरण के स्तर पर ही इस विषय को वो देखती हैं, और उनका देखना एक मान्यता से सही है उनके नज़रिए से। लेकिन अब जैसे कि राग की जो पारंपरिक व्याख्या बृहदेशी या संगीत रत्नाकर में मिलती है वो सार रूप है, तो उसका अगर व्याख्या का विस्तार करते हैं तो प्रभा जी ने जो कुछ कहा वही तत्व हमको मिलते हैं, लेकिन व्याख्या का विस्तार करना पड़ेगा। और उसमें प्रॉब्लम एक होती है कि हर एक इंटेलेक्चुअल अपने अपने दृष्टि से व्याख्या का इंटरप्रिटेशन कर सकता है और बदल सकता है, और उसमें दिक्कत होती है, इसलिए विवरण करना जरूरी है, और जो प्रभाताई ने किया। मैं एक बात सॉरी, और समीर जी ने जैसे कहा कि जैसे अमूर्त ही है तो उसकी व्याख्या कैसे करें, तो ये पेचीदा सवाल है ही, लेकिन मैं नहीं ऐसा मानता कि राग ये संकल्पना अमूर्त है, राग जो तत्व है वो अमूर्त है, या राग की संकल्पनात्मक स्थिति में जो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं वो शब्दों में पकड़ना बहुत कठिन है, लेकिन ऑन अ कॉन्सेप्चुअल लेवल राग इज नॉट अमूर्त, तो उसके विवरण तो हम दे सकते हैं, तो व्याख्या हो सकती है जैसे कि हमारे ग्रंथों में वो मिलती है। ताई, एक सरगम के बारे में
थोड़ा पूछना था, आपने इतना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है सरगम इस विषय में, आपने एक सांगीतिक सामग्री उसको विशेष तौर पे ऐसा कंट्रीब्यूट किया है। कुछ लोग और कुछ घराने में ऐसे बोलते हैं कि सरगम ये बहुत ही मतलब लो लेवल का सांगीतिक अलंकार है, या सरगम लेने से राग रूप बिगड़ता है, अगर आप सरगम लेंगे तो जो दो सुर का अंतर है षड्ज से ऋषभ तक वो भी अगर आप सारे बोले तो भी वो गलत रहता है, ऐसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से सुना है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। तो आपका जो मैंने गायन प्रस्तुति में सरगम सुना है उसमें तो मुझे ये कभी मालूम नहीं चला कि ऐसा क्या बिगड़ रहा है राग रूप। तो जब लोग बोल बनाव करते हैं तो एरी आली पिया बिन ये शब्द लेके जब काम करते हैं तो उसमें राग रूप नहीं बिगड़ता, और निरेगम पमगरे बोले तो राग रूप बिगड़े, ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? और ये जो टिप्पणी होती है तो ये क्या है? मेरी मतलब? मन की बात आपने कही है कि जब शब्द आप तोड़ मोड़ करके बोलते हैं स्वर वाक्य में वो चलता है उनको, लेकिन जो सरगम है और वो क्यों ऐसा हम करते हैं उसके पीछे लॉजिक है। हाँ। मनमानी नहीं है कि मैं ये सारे ऐसा क्यों करती हूँ। हाँ। उसके पीछे लॉजिक है। हाँ। वो करके अगर मैं काम कर रही हूँ तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा शुद्ध सांगीतिक सामग्री है। हाँ। और बहुत सारा काम करती है, जो आलाप होता है उसका काम करती है, तान का काम करती है, सांगीतिक अर्थ का निवेदन करती है। हाँ। जो आकृतियाँ इसमें नहीं होता है वो भी सारा काम करती है। इतनी मजबूत और सशक्त सामग्री है वो, उसको हमको लेना ही है। मतलब सुनने वालों को अभी और खुली नजरिया से देखना चाहिए, ऐसे अभी भी लगता है मतलब। नहीं, और खाली शास्त्रीय संगीत नहीं, वो तो फोक म्यूजिक छोड़ के सब संगीत प्रकार में सरगम ने अपनी क्या एंट्री की है और अच्छी तरह से की है। हाँ। और लोग उसको बहुत उससे आनंद उठाते हैं। मैक्सिमम आर्टिस्ट आज सरगम का आधार ले ही रहे हैं, और जो पहले विरोध कर रहे थे वो भी आज सरगम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है, वो विरोध करते हैं स्टेज पे आके। हाँ। लेकिन खुद गाते हैं सिखाते वक्त या गाते वक्त, लेकिन तो, चर्चा के वक्त हाँ। वो विरोध के लिए विरोध करेंगे, नहीं ऐसे तो, भी सुना है। अगर वो व्यवहार में लाते हैं और बाद में वो बोलते हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है। वो दोष उनका है। एक्चुअली जिस लेवल पे प्रभाताई ने सरगम को लेके गई है वो उस उतनी काबिलियत अगर शायद मुझ में नहीं है तो मैं कहूंगा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये भी तो ये भी एक बात हो सकती है। तो सरगम का इतने सौंदर्यपूर्ण अगर प्रस्तुति में लाना है अंग, तो उसके बारे में बहुत रियाज और चिंतन की जरूरत है, जो जिसके बारे में शायद बाद में प्रभा जी निवेदन करेंगे, क्योंकि उस पर एक पूरा सेशन शायद होगा बाद में। चैतन्य, क्या बात है कि प्रभाते की जो सरगम है इतनी सौंदर्यपूर्ण रहती है हमेशा ही, मैंने जब से मेरे बचपन से मैं सुनती आई हूँ, और कई बार अभी कुछ ऐसे बड़े बड़े गायक है वो जब सरगम करते हैं तो जैसे लगता है कि कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं, गड़बड़ 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 ऐसा लगता है। तो मैं समझती हूँ कि सरगम क्या चीज़ है वो प्रभाताई से ही लेनी चाहिए, इतना सौंदर्यपूर्ण है। There are no words. नहीं, और मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि सरगम तो लगभग पिछले 100-150 सालों से चलती आ रही है। माने अब्दुल करीम खां साहब थे, बड़े गुलाम अली खां साहब थे, अमीर खां साहब थे, इन सभी लोगों ने सरगम का बहुत सौंदर्यपूर्ण विचार किया, प्रस्तुतिकरण किया, लेकिन उसको शास्त्र का विवेचन जो है उसमें दर्जा देना और उसका एक स्टेटस एस्टेब्लिश करना, ये काम प्रभा जी ने किया है, और इसलिए ये कंट्रीब्यूशन हमें मानना चाहिए। कि आपने 12 सुरों के बारे में शुरू में बोल दिया, कोमल शुद्ध वगैरह, बट मैंने ये भी सुना कि अति कोमल, एस्पेशली फॉर रे, अति कोमल रे, अति तीव्र मध्यम, अति तीव्र निषाद, ये सुने तो है लेकिन वो पहचानना मुझे आए नहीं, तो कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट दैट? एक तो मेरा इसका अभ्यास नहीं है, और मैं ये मानती हूँ कि अगर 12 सुर ठीक से अगर गाए कलाकार तो बहुत अच्छी बात है। जो ये काम कर सकते हैं ना वो ज़रूर करें,
लेकिन कभी कभी वो गाना इतना बेसुरा लगता है कि वी आर नॉट यूज टू लिसनिंग टू दैट, ये भी होता है. तो जिनको अभ्यास करना है ज़रूर करे, वो भी एक मतलब करना आवश्यक है उसका भी. लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारा जो श्रोता है वो हमारे निर्मित में सहभागी हो. उसके लिए जितना शास्त्र सुगम हो सकता है, सहज हो सकता है, वो हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं तक हम पहुँच सके. और वही आश्रयदाता है, चार जो संशोधन करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, वो किताब में रहता है, सच्ची किताब में रहता है. वो आवश्यक भी है, मैं ना नहीं कहती हूँ, लेकिन हमको अगर संगीत कला को आगे लेना है, हमारे राग संगीत को, तो हमारा श्रोता तैयार होना बहुत आवश्यक है. उसके लिए शास्त्र बहुत सहज और सिंपल होना चाहिए, और वो करने की मेरी कोशिश है. वहाँ एक वाक्य त्याग स्टैंडर्डाइजेशन होना आवश्यक है, ऐसा मैं समझती हूँ. मैं उपज के बारे में थोड़ी चेष्टा करूँगा पूछने की. आमिर, तो उपज यानी क्या होता है? एक तो हम बहुत से शब्द सुनते हैं, गुरु भी बताते हैं उपज करो उपज करो, कितना भी कोशिश करो जो सुना है वही निकलता है, जिसके संस्कार हुए वही निकलता है. या संस्कार कोई उपज कहाँ जाए, या कुछ कलाकार की थॉट होते हैं, या हमारी उम्र में तो ये निकल सकता है, या उसके लिए कुछ अलग सा रियाज होता है. आपके इस बारे में क्या विचार रखते हैं? उपज की बात छोड़िए, अगर आलाप भी करना है तो जो आप सीखा हुआ है वही गाते हैं ना, अलग करते हैं क्या कुछ? तान में भी अलग कुछ होता है क्या? सोचना पड़ता है ना, अपनी अपनी प्रतिभा साधना विचार ये सब करके अलग हो सकते हैं आप. अलग अलग स्वर वाक्य ज़रूर तैयार कर सकते हैं, उससे हटके आप विचार करिए ना थोड़ा सा, आप ज़रूर कर सकते हैं. इसलिए बहुत सारे लोगों को सुनना पड़ता है और सोचना पड़ता है, वो करना आवश्यक है. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आकार का इतना महत्व क्यों है? आकार से आवाज़ पहुंचती है ज़्यादा लंबी तक. ई करे ए करे वो कान को भी सुंदर नहीं लगती है. दो तीन बातें, एक आवाज़ पहुंचती है दूर तक और सुंदरता. लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ आकार का ही महत्व नहीं है, इकार उकार सभी का है, लेकिन ज़्यादा आकार का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जैसे प्रभाताई ने बताया. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इकार उकार तुच्छ है या इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए. और अगर गायन का अभ्यास करना है, रियाज करना है, तो इन सभी का अभ्यास करना पड़ेगा. सिर्फ आकार का अगर रियाज करे तो बाकी भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता. नहीं, ये भी होते हैं ना, सारी महफिल में आ करते रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगने वाला. हाँ, बस आ के सिवाय कुछ करना ही नहीं. जैसे कि आपने संगीत सामग्री के बारे में बताया, आलाप बोल आलाप, तान बोल तान, सरगम. तो जैसे कि आपने बताया, आलाप प्रायः विलंबित लय या मध्य लय में होंगे, तान तो द्रुत लय में या मध्य लय से द्रुत लय में जाएगी. तो हर एक संगीत सामग्री की लय की कुछ मर्यादा है या एरिया है, मर्यादा नहीं कहेंगे, उसका जोन कहेंगे, तो ऐसा कुछ तय है या हर एक कलाकार? जब तक आप शुरू में मतलब जो स्ट्रक्चर है, जैसे ख्याल का स्ट्रक्चर है और राग है, ये दोनों के बारे में आपको अगर कुछ कहना है तो आप आलाप ही करेंगे. आलाप का भी लय के साथ संबंध होता है. जब सम के नज़दीक आप जाते हैं तब संबंध रहता ही है, और तान में तो लय होती है. हाँ, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे कि अगर आलाप अगर हम ले रहे हैं तो विलंबित मध्य लय में होंगे, द्रुत लय में आलाप नहीं होंगे, माने आलाप की लय द्रुत नहीं होगी, नहीं हो सकता. ताल की लय चलती रहे, दादी निंदा ये लय चल रही होगी, लेकिन आलाप तो मध्य या विलंबित अपनी लय है. तो मुझे ये पॉइंट आउट करना था कि हर एक सांगीतिक सामग्री की अपनी लय कुछ लय होती, बिल्कुल. तो सरगम भी कहेंगे तो बहुत विलंबित लय में सरगम का कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा, तो प्रायः मध्य और लय. मुझे और एक बात पूछनी थी, जब हम बोलते हैं विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय, तो विलंबित लय मतलब एक मिनट ऐसा कुछ हुआ है क्या? विलंबित किसको बोलेंगे, मध्य लय किसको बोलेंगे? नहीं, कुछ तो स्टैंडर्डाइज करना चाहिए ना. ये बात हमारे भारतीय संगीत में स्टैंडर्डाइज की नहीं गई है. जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में हम हर एक बीट पर मिनट का पूरा हिसाब है, और उस हिसाब से लय के परिभाषा पक्की की गई है.
लेकिन वैसा हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ये मुक्तता रखी है, एक बंधन नहीं डाला है कि विलंबित इसी जोन को, बीट पर मिनट को ही विलंबित कहेंगे, क्योंकि हर एक ताल के अनुसार विलंबित मध्य द्रुत का ये बदलेगा। नहीं, क्या होता है, गायक के रूप से परीक्षा में इसकी मतलब प्रॉब्लम आती है कि विद्यार्थी अगर विलंबित गाए तो बोलते बहुत विलंबित है, ये नहीं चलता है मतलब ताल नहीं दिखता है, मतलब ये आगे वाली बात आने वाली है, लेकिन ये भी होता नहीं, इसलिए कुछ तय करना चाहिए। विलंबित मतलब एक मिनट या 45 सेकंड्स या 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स मध्य लय और 10 सेकंड्स द्रुत लय, सब कुछ हम करें ना। तो आज के ज़माने में ये कर सकते हैं क्योंकि ऐसे उपकरण भी हैं, और लेकिन ये बात आपने जो कही है वो सही है, जैसे परीक्षाओं में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर ती ती ना धी ना धी ना, इस लय में अगर कोई गा रहा है तो इसको विलंबित ख्याल का दर्जा दे या ना दे, तो परीक्षकों में ये मतभेद होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से नुकसान होता है। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी देखना चाहिए कि अगर ये इसको अगर हम वो विद्यार्थी बोल रहा है कि ये विलंबित मेरी लय है, तो इस हिसाब से उसकी मध्य और द्रुत क्या होनी चाहिए। अगर उस हद तक वो जा सकता है तो इसको हम विलंबित मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सापेक्ष कल्पना है। विलंबित मध्य और द्रुत ये सापेक्ष कल्पना भारतीय संगीत में मानी जाती है। एग्जामिनर को ये मालूम होना चाहिए ना। हाँ, एग्जैक्ट। मैंने एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे पंडित रामभाऊ मराठे जो गाते थे ख्याल, तो अन्य घरानों के तुलना में उनकी विलंबित की लय भी मध्य लय जैसी ही थी। हाँ। लेकिन वो उस लय से लेकर उनकी द्रुत लय भी अन्य गायकों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा द्रुत थी। तो उनका जो स्पेक्ट्रम है विलंबित मध्य द्रुत का वो अलग था। तो हर एक गायक अपने अपने कौशल्य के अनुसार, कौशल्य संच के स्किल सेट के अनुसार विलंबित मध्य द्रुत का चयन करता है, वो करता है। लेकिन मैं एग्जामिनर के लिए क्या करेंगे उसके लिए, क्योंकि तो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम वो है, और शिक्षा पद्धति में हमें इसलिए करना चाहिए, ये भी बात सच है। तो एक मजे की बात तो मैं कहता हूँ कि इसलिए हम कभी कभार ऐसा भी सोचते हैं कि जैसे शिक्षकों का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहता है या अब रिफ्रेशर कोर्स रहता है, वैसे भी परीक्षक जिनको बुलाते हैं उनका भी कुछ ओरिएंटेशन कभी कभार होना चाहिए ऐसा लगता है हमें। नहीं, वो तो करना है, लेकिन उसके पहले स्टैंडर्डाइज करिए जो शास्त्र है हमारा, जो हम सिखाते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं, उसमें कुछ एक वाक्य तो होने चाहिए पहले, ये हमें करना है। मैम, मेरा आपसे ये पर्सनल लेवल पर सवाल है कि आप जब सीखा करते थे संगीत, गायन जब सीखा करते थे, तो क्या ऐसा होता था कि आप हमेशा यही ध्यान रखते थे कि आपको गायन पर ही ध्यान देना है, मतलब कि आप जो गाएंगे वो सिर्फ गायकी पैटर्न ही होना चाहिए, मतलब आपने कभी भी ऐसा सोचा कि आपके साथ जो हारमोनियम पे जो बजा रहे हैं, जो चीज़ बजा रहे हैं, या सितार पर कोई चीज़ बजा रहे हैं, या सारंगी पर कोई चीज़ बजा रहे हैं, तो क्या आपने उन चीज़ों का या उन स्वरों के जो आप ग्रुप्स कहेंगे उनका आपने कभी अपने गायकी में समावेश किया, मतलब खुद की पर्सनल इच्छा से या सोच से? मेरा ये सवाल है। मैंने तो किया ही है, लेकिन हर एक को करना चाहिए, हर एक को सुनना चाहिए, जो अच्छी बातें लेना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, सबको सुनो जो अच्छा है आप अपने गाने में या वादन में समाहित कर सकते हो, उसको लेना है, ज़रूर लेना है। तो मैम, मेरा इस रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या गायन अलग है और वादन बिल्कुल अलग है, कि हमें ये मतलब ही नहीं होना चाहिए कि वादन क्या चल रहा है, मतलब हमें बस इससे मतलब होना चाहिए कि तबला पर क्या चल रहा है, वो हारमोनियम पर या सितार पर जो मेलोडी बजा रहे हैं वो उनका अपना अपना है, हमें वो हम वो नहीं गा सकते, क्या ऐसा है? वो माध्यम अलग है ना, गायन जैसा कैसे होगा वादन में, वो माध्यम ही अलग है ना। मैम, जैसे आलाप और ताने जो होते हैं, जैसे हाँ। अगर कुछ सितार पर बज रहा है या हारमोनियम पर, तो क्या हम वो हमारे गायन में भी हम ले सकते हैं? सोच ले सकते हो, वो जो सोच है उसमें वो ले सकते हो, डिट्टो कॉपी नहीं करना है आपको। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सितार या सारंगी पर अगर जो कुछ संगीत, राग संगीत बज रहा है, तो मूल तत्व और संगीत सामग्री तो वही है ना, लेकिन एक्सप्रेशन अलग होगा क्योंकि वाद्य अलग है, माध्यम जैसे प्रवर्तन ने बताया कि अलग है, गले का अलग माध्यम है, वाद्य का अलग माध्यम है, तो हर एक माध्यम के अनुसार इन सामग्रियों का
अरेंजमेंट हर एक कलाकार करेगा। तो जैसे प्रभाताई ने कहा कि सोच क्या है के पीछे, जो प्रस्तुतिकरण चल रहा है उसमें ये तत्व कैसे वो इस्तेमाल करता है उसका अनुसरण हम जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा। तो हर एक कलाकार का आप सुनो और उसमें से जो कुछ आप अडेप्ट कर सकते हो वो करो। तो ये ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि गाना अलग है और वादन अलग है, और ये कभी भी नहीं था हमारे संगीत में। तुम्ही आता आंदोलन जेव्हा समजावत होतात तेव्हा भैरव रागात दैवत कोमल दैवत आला, कोमल निषादाच्या कोमल निषादावरून आंदोलन घेतो, तर रागामध्ये शुद्ध निषाद आहे तर अगदी बरोबर आहे तुमचा, आई मीन बिलकुल ठीक आपने कहा। लेकिन हम सुनने की वैसी आदत हो गई, लेकिन मैं जब गाती हूँ तो करती हूँ कोशिश की तीव्र निषाद लगे, हाँ। कोशिश होती है, लेकिन हमें सुनने की इतनी आदत हो गई है कि शुद्ध आई मीन कोमल निषाद पे आंदोलन जाता है। हाँ, मतलब क्योंकि अपन जेव आरोह आरोहत अपन ध नी सा घेतो, नी शुद्ध घेतो, तेव्हा आरोही येताना नी शुद्ध वरून पण आपण ध ची आज घेतो। कोमल निषाद है नहीं उधर, लेकिन बहुत सारे राग है, हम बहुत सारे स्वर जिसमें नहीं है उसका इस्तेमाल करते हैं। तर्मा इट इज करेक्ट और इट इज नॉट करेक्ट। यस करेक्ट, इट्स करेक्ट। आप किस तरह से यूज करें उसके ऊपर करेक्ट ना करेक्ट होता है। उसका प्रमाण कितना होना चाहिए ये बात इम्पोर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन इसका थोड़ा सा विवरण शास्त्रीय विवरण में भी समावेश हुआ, जैसे कि अगर आप राग विज्ञान देखें पंडित विनायक बुआ पटरधन जी की या पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की किताब देखें तो उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि भैरव राग में कोमल निषाद का कर्ण कभी कभी आंदोलन लेते वक्त सुनने को मिलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेंशन किया है, सही या गलत ये आपकी क्रिया बताएगी। okay. आप किस तरह करते हैं वो सही या गलत होगा। थैंक यू। आज का ये सत्र हम यहाँ संपन्न करते हैं और हमारा अगला सेशन होगा 29th को, माने अगले सप्ताह में शुक्रवार को 29th, सेम टाइम 11 to 1 एट दिस सेम वेन्यू। थैंक यू।